So in the given question, opening cash balance is given on the 1st August, and that is 25,000 rupees. Now they have also given information about credit sales and credit purchase. 50% of credit sales are realized in a month following the sale. देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्रेडिट सेल्स हुआ है उसका 50% अमाउंट नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग। मतलब इस साल, सॉरी, अगर इस महीने में मैंने 10,000 का क्रेडिट सेल्स किया है तो नेक्स्ट मंथ मुझे 5,000 मिलेंगे और उसके नेक्स्ट मंथ में दूसरे 5,000 मिलेंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी क्रेडिट सेल्स किया है वो तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस क्रेडिट सेल्स का 50-50 हिस्सा डिवाइड करेंगे और 2 मंथ में डिवाइड कर देंगे। अगर जनवरी, सॉरी, अगस्त में सेल किया है तो सितंबर में मिलेगा 50% और अक्टूबर में 50% मिलेगा, तो वहां रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया सेल्स का बात। अब हम क्रेडिट परचेज भी करते हैं। अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है, मटेरियल क्रेडिट में परचेस किया है, तो उसका पेमेंट जो करेंगे वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। यहाँ पे 100% अमाउंट की बात चल रही है कि क्रेडिटर्स से हमने जो खरीदी की है वो नेक्स्ट मंथ में पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे। मतलब अगस्त में आपने अगर 20,000 का क्रेडिट परचेस किया है तो सितंबर में आप उसका पेमेंट बताओगे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि सेल्स जो है 2 हिस्से में बांटेंगे, नेक्स्ट मंथ और दूसरा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। और परचेस है उसका जो पेमेंट बताएंगे, क्रेडिट परचेस की बात चल रही है, वो नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट बताएंगे। जो मंथ में परचेस हुआ है उस मंथ का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करेंगे। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज ऑफ हाफ मंथ। तो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस अगर जो हमको दिए हैं वो 15 दिन के बाद इसका पेमेंट करना है। लैग इन पेमेंट इन अदर एक्सपेंस इज ऑफ 1 मंथ। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो दूसरे एक्सपेंस है वो 1 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, सेल्स जो है वो सेल्स हमारा जो भी होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 50-50। बस अगस्त का सितंबर अक्टूबर में, सितंबर का अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर का नवंबर दिसंबर में, इस तरीके से। उसी तरीके से परचेस जो किया है उसका जो पेमेंट होगा, तो परचेस का पेमेंट क्रेडिट परचेस जो भी किया होगा और नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट हो जाएगा। तो अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में और दिसंबर का उसके बाद। अच्छा, तो अब हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली अगस्त में हमको सेल्स की इनकम होगी। तो कैसे होगी? अगस्त में हमें जो भी इनकम मिलेगी वो जून मंथ की मिलेगी 50%, क्योंकि ये पॉलिसी उनकी, जून में उन्होंने जो भी सेल्स किया होगा तो 50% जुलाई में मिला होगा, 50% अगस्त में मिला होगा। जुलाई में जो सेल्स किया उसका 50% अगस्त में मिलेगा, बाकी का सितंबर में मिलेगा। तो ये सारे हमको यूजफुल डेटा है। परचेस की अगर बात करूं तो परचेस का पेमेंट 1 मंथ के बाद करते हैं। तो हम जुलाई में जो 1,44,000 का परचेस किया था उसका पेमेंट हम अगस्त में करेंगे। ये डेटा हमारे काम का है। जो मंथ हमारे सिलेबस में नहीं आएगी उसको हम इग्नोर करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हाफ मंथ का पेमेंट बोला है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए है उसको आपको हाफ मंथ में ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और बाकी के जो भी एक्सपेंसेस है उसमें कुछ 1 मंथ का बोला हुआ है। लेग मतलब गैप, कितना गैप है पेमेंट का। सो नाउ वी आर
स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपको कैश बजट बनाना है अगस्त से अक्टूबर मंथ का, अगस्त से लेके अक्टूबर मंथ का आपको बनाना है। तो अगस्त का अगर हम बनाएंगे तो हमको जुलाई जून के डेटा भी काम में लगेंगे सेल्स के, सितंबर अक्टूबर तक जाना है, परचेस के हमको डेटा ऊपर के महीनों के काम में आएंगे, बाकी के जो भी मंथ से उसको हम इग्नोर करेंगे, जो रिलेवेंट डेटा होगा वही लेंगे। कैश बजट बना के दिया हुआ है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। कुछ वर्किंग्स ऐसे तो करने की जरूरत नहीं होती है, पर बताया है विदाउट वर्किंग आल्सो यू कैन डू। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बारे में आपको क्या बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको बोला था हाफ मंथ, मतलब अगर मैं अगस्त मंथ की बात करूं तो अगस्त मंथ के अंदर अगर मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किए हैं 5,000, तो 15 दिन बाद में 2,500 दूंगा और बाकी के 15 दिन बाद दूसरे 2,500, तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ का है तो आधा आधा पेमेंट करोगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब जुलाई की बात करते हैं, तो देखो जुलाई मंथ में आपने 4,000 रुपये का जो एक्सपेंस किया है उसका आधा पेमेंट उसी मंथ में हो जाएगा, आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा। चलो ये समझ में आ रहा है आपको। तो अब हमें लेने हैं 3 मंथ, अगस्त मंथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम, अगस्त मंथ हमें लेना है, सितंबर मंथ लेना है और अक्टूबर मंथ लेना है। तो अगस्त में हमने 2,000 रुपया पे किया होगा, कौन सा वाला? जुलाई वाला, क्योंकि जुलाई में आधा पेमेंट हो गया होगा, बाकी का आधा पेमेंट अगस्त में होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। उसी तरह से जुलाई में जो एक्सपेंस हुआ होगा उसका आधा पेमेंट जुलाई में हुआ होगा, आधा अगस्त में होगा। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, आपका अगस्त मंथ में 3,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो 3,000 आप अगस्त में ही पे कर दोगे, 15 दिन के बाद पेमेंट करना है इस हिसाब से, और बाकी का 1,500 रुपया आप सितंबर में पे करोगे, तो 1,500 1,500 दो हिस्से में बढ़ जाएगा। तो आप देखो अगस्त में 1,500 रुपये 3,000 में से दे देंगे 15 दिन का पेमेंट, और बाकी के 1,500 नेक्स्ट मंथ में जाएगी। अच्छा अब सितंबर मंथ की बात करते हैं, सितंबर में 4,500 है, तो 2,250 2,250 के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4,500 दिया है, तो सितंबर मंथ में आप 2,250 दोगे। इन द मंथ ऑफ सितंबर यू विल गिव 2,000। अच्छा सितंबर का पेमेंट अगस्त में तो आएगा नहीं इसलिए डैश है, और बाकी का पेमेंट अक्टूबर में करोगे आप। हमें जो 3 महीने दिए वही लेना है, तो ये थोड़ा केयर रखना है, हार्ड कुछ भी नहीं है, थोड़ी केयर आपको रखनी है। उसी तरह से अक्टूबर मंथ का पेमेंट 5,000, तो 5,000 रुपये आप अक्टूबर में से उसमें से 2,500 दे दोगे, और बाकी का 2,500 आप नवंबर में दोगे, जो नवंबर का तो हमें बनाना ही नहीं है तो वो देखेंगे नहीं हम, तो हम अक्टूबर तक का ही देंगे। तो अक्टूबर में खाली 2,500 का पेमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का। तो आप अक्टूबर में देखोगे तो
2,500 का पेमेंट हुआ। तो ये आपके मंथ वाइज आपको एक डेटा मिल गया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अगस्त में लेना कितना है, 3,500 लेना है, सितंबर में 3,750 लेना है और अक्टूबर में 4,750 लेना है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, इज देयर एनी डाउट? नहीं, ये ठीक है। ओके, तो थोड़ी केयर रखोगे तो ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स के लिए भी फिर से हमें अगस्त मंथ लेना है, हमें 3 महीनों को ही ध्यान में लेना है। अब देखो सेल्स में हमें ऐसा बताया था कि 50% सेल्स जो किया, यहाँ पे सारा सेल्स क्रेडिट ऐसा मान के चलते हैं, तो जो भी सेल्स दिया है उसका 50% 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, दूसरा नेक्स्ट मंथ मिलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलेगा, तो वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा पर करंट मंथ में नहीं आएगा, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आएगा। तो अगस्त मंथ की बात कर लेते हैं, तो पहले तो सेल्स के डेटा देखते हैं। ये रहे हमारे पास सेल्स के डेटा है, हमें अगस्त से ध्यान ध्यान में लेना, हमें अगस्त सितंबर अक्टूबर को ध्यान में लेना है। सेल्स के लिए बोला है कि 50% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, 50% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलेगा, तो अगस्त में हमें कौन सा पेमेंट मिलेगा? तो अगस्त में हमें एक तो जुलाई वाला तो पेमेंट मिलेगा ही, 1,92,000 का आधा, और जून का भी तो मिलेगा आधा, क्योंकि जून का पेमेंट आधा जुलाई में होगा और दूसरा आधा अगस्त में होगा, तो हमें अगस्त में 1,80,000 का आधा 90,000 मिलेगा। एक तो ये बात हो गई, और हमें अगस्त में जुलाई का आधा पेमेंट, 1,92,000 का आधा पेमेंट जो भी आएगा वो अगस्त में मिलेगा। अगस्त में हमें ये दो पेमेंट मिलेगी, ऊपर वाले दो पेमेंट के आधे आधे। और सिंपल करना है तो मैं अभी सिंपल मेथड बता दूं कि अगस्त ले रहे हो तो ऊपर के 2 महीने का आधा आधा ले लो, सितंबर ले रहे हो तो उसके ऊपर के 2 महीनों के आधा आधा ले लो, अक्टूबर ले रहे हो तो ऊपर के 2 महीनों के आधे आधे पेमेंट ले लो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व सही होगा। तो हमें यही बात बताई हुई है, अलग से टेबल वर्किंग दिया है इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन राइट। तो अगस्त में जून का आधा पेमेंट मिला, जुलाई का आधा पेमेंट मिला, तो ये आपका अगस्त का पेमेंट हो गया 1,86,000। सितंबर में क्या होगा? सितंबर में आपको जुलाई का आधा पेमेंट मिलेगा और अगस्त का आधा पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे हो गया 150। अक्टूबर में क्या होगा? आपको जुलाई वाला आधा पेमेंट मिलेगा और अगस्त वाला आधा पेमेंट मिलेगा, ये हो जाएगा आपका अक्टूबर का फुल पेमेंट। अगर समझ में नहीं आए तो आपको खाली एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि अगर ऐसा 50-50 दिया हो और बोला हो कि नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो क्या करना है? जो मंथ की बात कर रहे हो उस मंथ के ऊपर के 2 महीनों के आधे आधे पेमेंट ले लो, तो ये आपका ये हो जाएगा। चलो सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी, परचेस में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि परचेस में तो हमें 1 मंथ का गैप बोला है, तो अगस्त में हम लेंगे 1,44,000, अगस्त में हमें लेना पड़ेगा 1,44,000, क्योंकि हमें अगस्त में मिलेगा पर अगस्त में हम पेमेंट करेंगे प्रीवियस मंथ का, क्योंकि पेमेंट में 1 मंथ का गैप है। तो आपने जो 1,44,000 का जुलाई का पेमेंट किया है वो अगस्त में आएगा, अगस्त का जो आपने परचेस किया है वो सितंबर में आएगा, और सितंबर का जो आपने परचेस किया है वो अक्टूबर में आएगा, ये उसमें हो जाएगा, सिंपल है। ये सारे वर्किंग करके अगर नहीं किए तो भी चलेंगे, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। अब हम कैश बजट बनाएंगे, टाइटल दे देना है ऊपर कैश बजट, और जो मंथ बोले वो मंथ के कॉलम्स बना देने हैं, पहला पर्टिकुलर का कॉलम होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर बोला है तो हमने 3 महीने लिए, अगर 6 महीने बोले हैं तो 6 लेते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिख देना है, तो ओपनिंग बैलेंस आपका 25,000 वर्किंग में दिया हुआ था, वो आपने बता दिया। जो भी रिसिप्ट है वो सारी रिसिप्ट लेनी है, तो अभी हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, रिसिप्ट में हमारे पास एक तो ओपनिंग बैलेंस है और दूसरा सेल्स वाला है, दूसरी कोई रिसिप्ट है ही नहीं क्वेश्चन में। तो अगस्त का सेल्स लेके हम 1,86,000 जो हमने अभी वर्किंग किया, अगस्त में 1,86,000 कैसे आया?
वर्किंग तो बताया, फिर से बता देता हूँ कि अगस्त में आपको क्या पेमेंट मिलेगा, जून का आधा और जुलाई का आधा। तो वो पेमेंट, ये दोनों के आधे आधे पेमेंट आपको मिले हैं, वो आपने अगस्त के लिए, अगस्त का पेमेंट को आपको अगस्त में मिलेगा ही नहीं, वो तो नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। अब हम मंथ वाइज समझ रहे हैं, आप चाहो तो जो डेटा है वो फिलअप करते जाओ मंथ वाइज तो भी चलेगा। तो आपकी टोटल रिसिप्ट हो जाती है 2,11,000, फिर पेमेंट लेना है। पेमेंट में आप परचेस 1,44,000 बताओगे, कैसे आएगा? तो परचेस में रूल था कि इस मंथ का पेमेंट नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो अगस्त में हमने जुलाई का पेमेंट किया होगा, तो अब जुलाई का हमारा पेमेंट था 1,44,000, तो वो पेमेंट हमने अगस्त में किया, तो 1,44,000 आएगा। तो आपने वो 1,44,000 बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बारे में हमने वर्किंग किया था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में 15 दिन का गैप था, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में 15 दिन का गैप था, इसलिए हम अगस्त की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगस्त में आप 1,500 रुपये पे करोगे, 3,000 में से बाकी के 1,500 नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, और जो जुलाई का है 4,000, उसका 2,000 का पेमेंट आधा अगस्त में होगा, क्योंकि उसका भी 15 दिन का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा, 15 15 दिन का गैप है, आज एक्सपेंस किया है 15 दिन बाद। तो यहाँ पे 2,000 और 1,500, 3,500 रुपया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अगस्त का आपका होगा। तो वो आपको यहाँ पे बता दिया है 3,500। अब दूसरे एक्सपेंसेस के बारे में बोला है, 1 मंथ का गैप है, क्वेश्चन में बोला है 1 मंथ का गैप है, अदर एक्सपेंसेस में 1 महीने का गैप है, तो जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, इस तरीके से होगा। तो वेजेस, तो हम अगस्त में कितना वेजेस पे करेंगे? अगस्त का पेमेंट सितंबर में होगा, सितंबर का पेमेंट अक्टूबर में होगा, अक्टूबर का पेमेंट नवंबर में होगा, तो इस हिसाब से देखें तो अगस्त में हम पे करेंगे 14,000, तो वेजिस का 14,000 हो जाएगा। तो वो देख लेते हैं, वेजिस का 14,000, तो 14,000 वेजिस का। बाकी के सारे पेमेंट भी 1 महीने की गैप से, ऑफिस एक्सपेंस 1,000 और सेलिंग एक्सपेंस 4,000, ये पेमेंट हमने किए पर वो जुलाई के हो गए, अगस्त में हम जुलाई वाला लिखेंगे क्योंकि 1 मंथ का गैप है। अगस्त का पेमेंट सितंबर में जाएगा, सितंबर का अक्टूबर में, तो आप देख सकते हो ऑफिस एक्सपेंस हमने 1,000 यहाँ लिखना है, और ये 1,500 हमें इस मंथ में लिखना है, और 2,000 इस मंथ में लिखना है, 2,500 इस मंथ में लिखना है। सेलिंग एक्सपेंस भी हम अगस्त में 2,000 नहीं 4,000 ले गए, और सितंबर में 2,000 ले गए, और अक्टूबर में 5,000 ले गए, इस तरीके से पेमेंट चलता जाएगा। तो सारे पेमेंट आप लिख दोगे, जिस तरह से हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे। अगर पर्टिकुलर मंथ में हो जाता है, कुछ भी नहीं बोला तो उसी मंथ में कर देना है। अब सारे रिसिप्ट और पेमेंट लिखने के बाद पेमेंट का टोटल करोगे, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करोगे, मतलब ए माइनस बी, 2,11,000 में से 1,66,500 माइनस करोगे, तो आपके पास 44,500 कैश बैलेंस बचेगा। अगस्त में इतना कैश पड़ा है आपके पास, रिसीप्ट में से पेमेंट माइनस किया, ये क्लोजिंग है अगस्त का, जो सितंबर का ओपनिंग हो जाएगा, तो आप इसको ऊपर बता दोगे, इस पेमेंट को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में आप यहाँ पे बता दोगे। ये आपका हो गया, अब सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ। अब आपको समझ में आ चुका होगा, सारी रिसिप्ट लिख देनी है, टोटल कर देना है, जो भी पेमेंट है, जो हमने अभी पेमेंट की बात की उस तरीके से करना है, सारे पेमेंट लिख दोगे, ए में से बी माइनस करोगे, तो अब यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे कैश बैलेंस नहीं है, शॉर्टेज हुआ, पैसा कम पड़ा इस महीने में, पेमेंट ज्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना, इनको बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है,
इनको सितंबर मंथ में बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा 66,750, अगर ये फैसिलिटी है तो, क्योंकि पेमेंट तो करना पड़ेगा, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ये वाला बैलेंस आप नेक्स्ट मंथ में बता दोगे, और उस मंथ के भी जो भी पेमेंट की डिटेल है वो बताओगे आप वन बाय वन। तो यहाँ पे भी आपको रिसीव मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी फिर भी शॉर्टेज आ रही है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था इस क्वेश्चन में, हमको यही तो बोला था कि हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट कितना लेना पड़ेगा। देखो फिर से, सौराष्ट्र कंपनी लिमिटेड विशेष टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विथ इट बैंकर फ्रॉम द पीरियड अगस्ट टू अक्टूबर व्हेन इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली फॉर स्टॉक, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द अबव पीरियड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो ये आपका कैश बजट रेडी हो चुका है, और इस कैश बजट में हमें अगर क्वेश्चन पूछा हो कितना ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं क्लियरली अगस्त में नहीं लेना पड़ेगा, पर हाँ सितंबर और अक्टूबर मंथ में शॉर्टेज आ रही है, तो उस अमाउंट का ये लोग ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। चलो, आइडिया क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ओके, तो ये हमने आज कैश बजट कवर किया। अब थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन ले लेते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। तो नाउ ओके सर।